हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चम्पा एंड लाइटन। आज भिडिओ दशम श्रेणी अध्याय टू एसिड खारक और लवण पाठ कईटाम पाठभित क्वेश्चन आलोचना कर तुम लोग मोर चेनेल नतुनको चेनेल तो सबसक्राइब करते का बेल आइकन प्रेस नपहरबा जाते मैं भिडिओ आपलोड करे तुम लोग नोटिफिकेशन जाए। अहसन आम भिडिओ आरम्भ करो। पांच नम्बर प्रश्न तो चाह अहा। पांच नम्बर प्रश्न कि आज संघटित बिक्रियार शब्द समीकरण और सन्तुलित समीकरण लिखा। ए नम्बर अपशन कि लघु सालफ्यूरिक एसिडे जिंकर गुड़ सहित बिक्रिया कर। प्रथम शब्द समीकरण लिखी लब लगे फाइव ए नम्बर लिखी प्रथम हम आम शब्द समीकरण तो शब्द समीकरण तो लिखी लिया कने बिक्रिया कने लघु सालफ्यूरिक एसिडे कार जिंकर गुड़ प्रथम जिंक लिखीम। जिंक कार्य सालफ्यूरिक एसिडर गति के हम सालफ्यूरिक एसिड उत्पन्न हम आम जिंक सालफेट और हाइड्रोजेन गेस गति के लिखीम जिंक सालफेट और प्लस सिन दी पे हाइड्रोजेन गैस लिख लगे हाइड्रोजेन। एम रासायनिक समीकरण लिख जिंक संकेत की हम जेड एन प्लस सालफ्यूरिक एसिडर संकेत हम एच टू एस ओ फोर टेन्स टू की उत्पन्न हमी कैसे आम जिंक सालफेट। जिंक सालफेटर संकेत हल जेड एन एस ओ फोर और हम हाइड्रोजेन गैस। इतना बिक्रिया चुना माउफाल जिंक सोफाल माउफाल हाइड्रोजेन दूटा न सोफाले क्या दूटा सालफार माउफाल क्या और इतना सालफार क्या ऑक्सीजन इतना चार इतो चार गति के बिक्रिया बिक्रिया सन्तुलित नम्बर तो चाह नम्बर कारण शब्द समीकरण तो प्रथम लिखी ल तार पद रासायनिक समीकरण लिखी तक सन्तुलित लगे। बी नम्बर तो नम्बर तो हल लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिडे मेगनेशियम फिटार सहित बिक्रिया कर। प्रथम कि लिखी मेगनेशियम शब्द समीकरण तो लिखी लैसो जीतु आम शब्द समीकरण लिख दी गति के प्रथम मेगनेशियम लिखिल कार बिक्रिया मेगनेशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटिया बिक्रियार फल उत्पन्न हम आम मेगनेशियम क्लोराइड गति के टेन्स तो पीछे कि लिखीम मेगनेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजेन गैस उत्पन्न हम गति के प्लस सिन दी कि लिख लगे हाइड्रोजेन लिख लगे। आम रासायनिक समीकरण तो लिखो मेगनेशियम संकेत हल एम जि प्लस कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इल एच सी एल टेन्स टू कि उत्पन्न मेगनेशियम क्लोराइड एम जि सी एल टू और हाइड्रोजेन गैस गति के हम एच टू इतना समतुल ना चाह मेगनेशियम इतना हाइड्रोजेन इतना बाउफाले कि सोफाले हाइड्रोजेन क्या दूटा गति के समतुल दू लगे कि हम समतुल क्लोरीन क्या हो गल दूटा बाउफाले दूटा सोफाले क्या पाल क्लोरीन इतना गति के बिक्रिया सन्तुलित सी नम्बर तो चाह हाँ सी नम्बर तो कि आज लघु सालफ्यूरिक एसिडे एलुमिनियम पाउडार सहित बिक्रिया कर। शब्द समीकरण तो लिखीम लिखी पे तक रासायनिक समीकरण लिखी तक आम सन्तुलित लगे। प्रथम लिखो सी नम्बर पॉइंट लिखी पे शब्द समीकरण तो लिखो कि आम
एलुमिनियम और लघु सालफ्यूरिक एसिड और बिक्रिया गति के प्रथम कि हम आम एलुमिनियम हम एलुमिनियम प्लस कार बिक्रिया सालफ्यूरिक एसिड सालफ्यूरिक एसिडर जदि एलुमिनियम बिक्रिया करे तेंते एलुमिनियम सालफेट उत्पन्न करिबो टेंस टू सिनर पिसत आमि कि लिखिम एलुमिनियम सालफेट आरो लगते आमार हाइड्रोजेन गैस उत्पन्न हबो हाइड्रोजेन गैस एतिया आमि यार रासायनिक समीकरण तो लिखो हाँ रासायनिक समीकरण के लिए अभी इहतर रासायनिक चिन्ह लिख लगे एलुमिनियम चिन्ह की ए एल सालफ्यूरिक एसिड जानो कि एच टू एस ओ फोर टेन्स टू कि उत्पन्न एलुमिनियम सालफेट एलुमिनियम सालफेटर संकेत आम आगते पासी ना जानो प्रथम चेप्टार ए एल टू एस ओ फोर हल थ्री प्लास कि गैस हम हाइड्रोजेन गैस এতিয়া সমতল হৈ আছে না চাওঁ ইয়াত আছে এলুমিনিয়াম এটা কোনফালে কেইটা আছে এলুমিনিয়াম দুটা আছে সমতল কৰিলে ইয়াত কি কৰিলোঁ আমি দুই এটা দি দিলোঁ হাইড্রোজেন চোৱা বাওঁফালে দুটা সোঁফালে দুটা মিলি আছে তাৰপিছত আমি সালফাৰ চাওঁ ইয়াত কেইটা আছে তিনিটা আছে ইয়াত সালফাৰ কেইটা আছে এটাহে আছে মিলাবলৈ হলে আমি ইয়াত তিনি এটা দি দিব লাগিব এতিয়া তিনি এটা দি দিয়াৰ লগে লগে সালফাৰ তিনিটা মিলিলে কিন্তু হাইড্রোজেন আকৌ ইয়াত কেইটা হৈ গল ছটা হৈ গল নহয় ইফালে আছিল কেইটা দুটাহে আছিলে আকৌ ইয়াত আমি সমতল কৰিবলৈ কি কৰিম আগত তিনিটা লিখি দি তাৰপিছত অক্সিজেন চাব চাৰি তিনি গুণ কেইটা হল বাৰটা বাওঁফালে সোঁফালে চাব চাৰি তিনি গুণ বাৰটা গতিকে আমাৰ এই বিক্ৰিয়াটো কি হৈছে সন্তুলিত হৈছে এতিয়া আমি আকৌ পাছৰ ডি নম্বৰটো চাওঁ লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে লুৰ গুৰিৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে এইবাৰো আমি আগৰ নিচিনাকে শব্দ সমীকৰণটো লিখিম আকৌ ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিম লিখি কি কৰিম সন্তুলিত কৰিম নহয় জানো গতিকে ডি নাম্বাৰটো লিখিলো কোনে কোনে বিক্ৰিয়া কৰিছে লিখি লওঁ প্ৰথমতে লুৰ গুৰি লু বুলিও লিখিব পাৰো নতুবা আমি আইৰণ বুলিও লিখিব পাৰো ইয়াত আইৰণ বুলি লিখিলেও আমাৰ শুদ্ধ হব এতিয়া ই কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত গতিকে ইয়াৰ সংকেত কি হব হাইড্রো ক্লোরিক এসিড টেন্স টু চিহ্নৰ পিছত কি হব আইরন ক্লোরাইড উৎপন্ন হব গতিকে আমি ইয়াত টেন্স টু চিহ্নৰ পিছতে লিখিম আৰু লগতে হাইড্রোজেন গেছ উৎপন্ন হব আমাৰ গোটেইকেইটা বিক্ৰিয়াতে কি গেছ উৎপন্ন হৈছে হাইড্রোজেন গেছ এতিয়া আমি ইয়াত ৰাসায়নিক समीकरण तो लिखो यार आयरन मरूर सिंबल की हो केमिकल सिंबल से एफ ई रासायनिक चिन्ह प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम एच सी एल टेन्स टू की उत्पन्न आयरन क्लोराइड आयरन क्लोराइड संकेत एफ ई सी एल टू प्लस हाइड्रोजेन गैस एच टू এতিয়া আমি সমতল কৰিম আইৰন এফালে এটা আছে এফালে এটা আছে মিলি আছে হাইড্রোজেন চাওঁ ইয়াত কেইটা আছে এটা এফালে কেইটা আছে দুটা আছে নহয় জানো মিলাবলৈ কি কৰিম এইচ চি এলৰ আগত দুই এটা লিখিব লাগিব এতিয়া এই দুটো দিয়াৰ লগে লগে ক্লৰিন কেইটা হৈ গল আমাৰ দুটা হৈ গল গতিকে আমাৰ কি হৈছে বিক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণিত হৈছে এনেকৈ আমি শব্দ সমীকৰণ লিখি তাৰপিছত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিব পাৰিম আৰু বাওঁফালে আৰু সোঁফালে থকা পৰমাণুবোৰৰ সংখ্যা সমান কৰি আমি সন্তুলিত কৰিব পাৰিম ভিডিওটো চাই তোমালোকে কেনে পালা কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা ভিডিওটো মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।